आप कोड़ा बुला लेते एक साइड हो जी। पहलवान साहब 58 साल की नौकरी है, 58 साल की नौकरी है। लो भाई तेरा सदा चल लगा। एमएसपी की सारी लड़ाई है भैया, तो भाई शांति बनाओ, बैठो अपने नाम पे बैठो भाई। भाई भाई आप सारे साथी बैठ जाओ, ये बात करने आए तो हम बात करेंगे, बैठ जाओ सारे। एसपी साहब से मेरी प्रार्थना, थोड़ा साइड में को आ जाओ, आप पीछे पीछे क्यों हो, साइड में को आ जाओ। अगर बात करनी है तो सारे ना आओ, हम आराम से बात करा, आराम से बैठ जाओ भाई। फोर्स ले रोक दो उधर भाई, फोर लो सर उसको, बात करनी तो हम करेंगे ना बात, हम करेंगे बात। फोर्स लो उधर रोक दो भाई, फोर्स लाओ, फोर्स आगे तो हम बात नहीं करेंगे भाई। अगर फोर्स आओगे हम बात नहीं करेंगे जी, फोर्स आओगे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर से तनाव नो तो बढ़ाओ, बैठो सारे भाई, फोर्स रोड पर जाए भाई, बात तब करेंगे। रोड पर जाओ, मारा करा, मारा करा है कि ये व्यवहार नहीं भाई, ये हमारा घर है और फोर्स वापिस है। हेलो, किसान आंदोलन की तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, और फिलहाल जो पुलिस प्रशासन जो है किसानों के बीच पहुंच चुका है। सारी फोर्स रोड पर जाए भाई, जब तक फोर्स रोड पर नहीं जाएगी हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम कोई वार्ता नहीं करेंगे सारे। हाँ बात करने के लिए कहा तो किसान भाई बैठ जाओ बस सारे, प्रशासन पूछ के होगा उसे मार दो सर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे लिए बहुत ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के जो है, और फिलहाल किसानों के साथ पुलिस प्रशासन की मीटिंग होगी। फिलहाल किसान नेता जो है मीटिंग करेंगे, और किसानों की कमेटी जो है आप ओड़ा बुला लेते एक साइड हो जी। कमेटी इकट्ठी हो गया, आ जाएगी संदेशा दे दियो आप, लेकिन आप बुला लो जी साइड में। सुनो पहलवान साहब, पहलवान साहब 58 साल की नौकरी है, 58 साल की नौकरी है। यो भाई सारा सदा चल लगा, यो भाई सारा सदा चल लगा।
आप साइड में लगड़ जो जी। फिलहाल किसानों ने बोल दिया है कि किसानों के बीच से आना गलत है और किसान जो है उसको लेकर डीएसपी के साथ अभी बातचीत भी करते हुए आपको दिख रहे थे कि किसानों के बीच में आने से कोई तरीका नहीं, आप साइड में आकर हमसे बात कीजिए। और फिलहाल किसानों की जो कमेटी है वो भी इनके साथ मुलाकात करेगी। और ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं खेड़ी चौपटा से। फिलहाल किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और फिलहाल किसानों ने मना कर दिया है बातचीत के लिए, क्योंकि किसानों का कहना है कि आप किसानों के बीच में से आए। प्रशासन बिल्कुल स्थिति को बिगाड़ना चाहता है, प्रशासन पंचायत के बीच में आके गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है। प्रशासन को किसने इजाजत दी बीच में आने की? अभी बातचीत नहीं करेंगे, अभी हमारे से अलग जावेंगे, हमारा जो कमेटी है वो बात करेगी। ऐसे प्रशासन को कौन अलाउड करता है पब्लिक के अंदर जाने की? कोई क्षतिपूर्ति होगी, कौन जिम्मेवार होगा? कौन होगा भाई जिम्मेवार? हम इन अधिकारियों को बोला है थोड़ा संयम बरतो, हम बताकर जाएंगे कहां से जाएंगे। देख सकते हैं कि ये तस्वीरें किसान जो हैं जोश में हैं और किसानों ने फिलहाल मना कर दिया है बातचीत करने से और बोला कि हमारी कमेटी खुद आएगी आपसे बातचीत करेगी। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, किसानों ने कहा है कि इस तरीके से किसानों के बीच में से आना गलत है, अगर आपको बातचीत करनी है किसान कमेटी से तो एक साइड में होकर किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी। बता दें कि खनौरी बॉर्डर की कॉल जो है आज किसानों ने दी है और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और किसान नेता जो है लगातार किसानों से बातचीत करते हुए भी आपको दिख रहे हैं। और उसी बीच जो है पुलिस प्रशासन की एंट्री जब हुई तो किसानों के अंदर जोश और ज़्यादा हो गया और किसानों ने एक तरफा मना कर दिया कि ये कोई बातचीत करने का तरीका नहीं है, आपको बात करनी है तो साइड में आइए और फिर हमसे बातचीत कीजिए। फिलहाल इस आंदोलन पर पूरे देश की नज़र आप देख सकते हैं कि टिकी हुई है और कई दिनों से जो किसान है लगातार खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर की बात करें वहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों की यही मांग है कि जो हमारी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी हम तब तक नहीं रुकेंगे। और फिलहाल जब पुलिस की एंट्री किसानों के बीच हुई तो वो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से किसानों ने एक तरफा मना कर दिया और किसान नेता जो हैं वो भी तभी जो है एक तरफा उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे, अगर आपको बातचीत करनी है तो हम आपके पास आएंगे, आप हमें बुलाइए और एक तरफ चलकर हम बात करेंगे। किसानों के बीच से आना किसानों को नहीं भाया। और फिलहाल किसान बड़ी मात्रा में सुबह से ही यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, हालांकि किसानों का ट्रैक्टर जो है गांव गांव में रोके भी गए और बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद भी रही, क्योंकि सरकार ने शायद एक तरफा बोल दिया है कि किसानों को जो है अंदर आने नहीं देंगे, लेकिन किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। भाई जितने भाई खड़े हैं